इधर रायपुर में आवंटित बंगले से सामान गायब होने के मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मुगलों की तरह बर्ताव है, मैं इससे बेहद व्यथित हूँ। जैसे मुगल मंदिरों से हीरे सोने लूट कर ले जाते थे, वैसा ही किया गया है। बंगले से कई सामान गायब है, मैंने इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद दोषी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकवरी की जाएगी। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों को बंगले अलॉट हो गए, उसके बाद ये आरोप लगाया गया है और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बंगला आवंटित हुआ है और उनका आरोप है कि जो बंगला उन्हें आवंटित हुआ है उससे सामान गायब है। मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुगलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मैं इससे बेहद व्यथित हूं। जैसे मुगल मंदिरों से हीरे और सोने लूट कर ले जाते थे, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग अग्रवाल, मीडिया सह प्रभारी भाजपा। अनुराग जी, अब बंगले आवंटित होने के बाद यहाँ पर जो मंत्री हैं श्याम बिहारी जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो बंगला मिला है उसमें से सामान गायब है। क्या कुछ लगता है, किस तरीके से इसे देखते हैं आप? सबसे पहले ना मुझे लगता है कि उनके बयान को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो देख प्रत्यक्ष दर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि बंगले की स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं है कि खाली शिव डहरिया जी ने बंगला छोड़ा है, बाकी और मंत्रियों ने भी बंगला छोड़ा है। उस बंगले की वास्तविक स्थिति ये वहां के इंजीनियर भी बता रहे हैं कि वहां पे ये विभिन्न चीजें नहीं है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस की कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों की संस्कृति है। आपने आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव के बेटे ने भी अखिलेश जी जब गए थे तब भी वही हाल करके रखे थे, और इन्होंने तो छत्तीसगढ़ को लूटने में कसर नहीं छोड़ी, छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य बेच दिया। छत्तीसगढ़ में तो एसपी और आईएएस के तबादले ठेके पे हुआ करते थे। तो कोई नया इनकी आदत रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है कि जो मिले राम राम जपना, पराया माल अपना, जो मिले उसको अंदर कर लो, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि राजनीति में इतना ओछापन, राजनीति का इतना रसापन, ये बहुत अच्छी बात नहीं। जी अनुराग जी, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, तो यहाँ पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी का ये बंगला, यहाँ पर वो रह रहे थे बीते 5 साल से, अब बंगला अलॉट श्याम बिहारी जायसवाल जी को हो गया है। अब उनका कहना है कि यहाँ से सामान गायब है, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? तथ्यहीन आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में है, इनको आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। केवल उसी राजनीति के लिए इस तरह से आरोप लगाना, देखिए जो सरकारी बंगले अलाट होते हैं उसमें दो तरह से व्यवस्था होती है। जो सरकारी सामग्री होती है उसका स्टॉक लिस्ट बनता है, बकायदा वो उसका नसी संधारण से लेके उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत सामान होते हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आते। तो इनको ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के बजाय इनको FIR दर्ज कराए, जांच करवाए, और इस प्रकार से सरकार में है ये कार्रवाई करने का अधिकार है इनको, केवल लफाजी के लिए आरोप लगाने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है। जनराज जी, सुना आपने सुरेंद्र जी को? सुरेंद्र जी, आपकी मनोकामना अगर व्यवस्था होगी तो बिल्कुल की जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उनके जो भ्रष्ट नेता रहे हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं तक की इज्जत नहीं की है, उनके खिलाफ FIR हो जाए। ये कांग्रेस की, देखिए ये बात देखिए, कांग्रेस का अंतरकला देखिए कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हारने के बाद इतना दुखी है कि वो चाहता है कि उनके नेता पर FIR हो जाए। जी सुरेंद्र जी, अनुराग भाई, मैंने ये भाजपा के नेता जो आदतन इस प्रकार से झूठ और लफाजी करते हैं, मैंने उसके खिलाफ बात कही। सरकार में है एक मंत्री जो है केवल बयानबाजी करता है, ये निंदनीय है। जी अनुराग जी, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्री जी सामान ले गए हैं वो अपना, पूर्व मंत्री जो है सामान है वो अपना सामान ले गए हैं, क्योंकि 5 साल रहते हैं तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए कई चीजें ऐसी हैं जो अपने जीवन के लिए लोग लगा लेते हैं, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि वो अपना निजी सामान ले गए हैं। क्या कहेंगे आप? मतलब सुरेंद्र जी, आप स्वीकार कर रहे हैं, धन्यवाद कि कांग्रेस ने स्वीकार करने की हिम्मत तो ले गई कि सामान ले गए हैं,
मतलब आप तो ये जांच का विषय है कि सवाल उनका है कि नहीं है, ये तो नई बात रख दी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना सामान ले गए हैं। अब एक बात बताएं कि कौन से सरकारी ऑफिस में अपना निजी सामान लगाता है, वो भी क्यों रहते हैं जिन्होंने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अपने जगह पे प्लाट बेच दिया। एक एक कर बोलिए, स्पष्ट होकर बात हो पाएगी। अनुराग जी पहले आप कहिए। अपना सामान ले जाएंगे, चलिए आपने ले गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार किया उसके लिए, लेकिन जाँच तो होगी कि सामान अपना था कि पराया था। जी सुरेंद्र जी, बयान देता इस तरह से बिना जांच के जो है तथ्यहीन आरोप लगाना, और ये चिंदी चोरी का काम भक्त भाइयों का है। जी अनुराग जी, अब देखिए क्या है, कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि भाषा के ना निम्नतर स्तर पर जा रही है। कोई बात नहीं, बौखलाना इनको स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं करती। अगर ये लोकतंत्र का सम्मान करे तो आंतरिक लोकतंत्र रहता ना, आजादी के बाद कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र के नाम पे एक परिवार का कब्जा है, राजशाही है, ये तो गुलामी के समान जीवन व्यतीत कर रहे, तो वैचारिक स्वतंत्रता भी इनके अंदर नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां जो है उसकी जांच होकर निसंदेह कार्रवाई होगी। सुरेंद्र जी, आप इस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आपकी मांग जरूर पूरी होगी। जी सुरेंद्र जी, यहाँ पर जांच करने की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है क्या जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में? पहले जांच हो फिर कार्रवाई हो, लेकिन उससे पहले जो नेता इस प्रकार से बलबोड़ेपन में ऊंचा कूचक के बयान दे रहे हैं, इनको इनको ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने का नैतिक अधिकार इनको नहीं है। सत्ता में नहीं थे तब भी बंगला में कब्जा करने वाले यही भाजपा ही थे, ये किस नैतिकता की बात करते हैं? कोई भी व्यक्ति जब सरकारी बंगले में शिफ्ट होता है तो दो तरह की सामग्रियां होती, मैंने पहले भी कहा, एक आदमी अपने जीवन यापन के लिए, अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कुछ निजी सामान भी जो बड़ी संख्या में ज्यादातर जो होते हैं वो भी होता है। तो ये पहले जांच करा ले उसके बाद में आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर सुरेंद्र जी भी यही बोल रहे हैं अनुराग जी की, पहले जांच करा लीजिए उसके बाद ही आरोप लगाएंगे। अब देखना होगा कि आप किस तरीके से इस चीज को लेते हैं, जांच कराते हैं या क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सरकारी बंगले को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है, पूर्व मंत्री शिव डहरिया बंगला खाली कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हैं उनका आरोप है कि बंगले से सामान गायब है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाता है।